जी अस्सलाम वालेकुम जी चो साहब जी। वालेकुम अस्सलाम जी। चोरी वाह साहब, बुकिंग के मतलब अपने ग्रुप के बहस चल रही थी दो दिन पहले जी। बुकिंग के मामलात के लोग बड़े परेशान है, कोई पैसे एडवांस दे देंगे, कोई ज्यादा दे देंगे, कोई घट दे देंगे जी। ये मतलब प्लीज सारा गाइड कर दो जी, मेरे एक सवाल से जी। बिल्कुल जी, अपने पाकिस्तान किसान आटो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के अंदर भी कई दफा सवाल आ चुके हैं जी। दसागा कि कुछ कस्टमर जोड़े है वो डीलर हजार जोड़े है उन्होंने शिकंजे आ जाते हैं, ठीक है जी। कमजोर जिम्मेदार जोड़े उन्होंने शिकंजे आ जाते हैं, लिहाजा कंपनी का यह कोई शड्यूल नहीं है ऐसा कि कंपनी अगर कहे कि 6 लाख रुपया सानू दे रहे हो, डीलर हजार कह कि 6 लाख रुपया सानू दे दिता जाए तो और असी तुहाडे टैक्स की बुकिंग करवा देंगे, लिहाजा कंपनी का यह कोई असूल या कोई तरीकाकार नहीं है। कंपनी जी वो कह रही है कि अगर टैक्स तुहाडा 20 लाख का वा या 21 लाख का वा पूरे पैसे जाएंगे तो वह समझ लो थानू होएगा बुकिंग होएगी वो, लिहाजा कोई भी दोस्त किसी डीलर के गलत ना इस चीज़ से आवे कि 6 लाख या 7 लाख या 10 लाख दे दौ, असं बुकिंग करवा देंगे, जो टैक्स आएगा उदो थानू मिल जाएगा। इस तरह हरगिज़ नहीं है। कल साड़ी मिलत के अंदर इस चीज़ के उत्ते बहस हुई है, उन्होंने सीनियर ऑफिसर जोड़े है उन्होंने गलबात हुई है। एक दोस्त साडा है विहाड़ी का रहने वाला, उन्हें टैक्स की बुकिंग करवाई थी 14,28,000 रुपये के 14,28,000 के जी बुकिंग हो गई जी। लेकिन वो बुकिंग हुई थी 7वें महीने की 6 तरीक। कंपनी को जो पूछा गया कि इस टैक्स की बुकिंग हले तक टैक्स नहीं मिल रहा जिम्मेदार, उन्होंने कहा जी 94,500 रुपये जी कीमत अजाफी है, वो कीमत साढ़े अकाउंट च आएगी, असं ये बारे बुकिंग बारे सोचा। 7 लाख रुपया जमा करा दो, टैक्स 2 महीने बाद आ जाता वा और 2 महीने तो बाद बकाया रकम सानू दे देनी है तो थानू टैक्स मिल जाएगा। लेकिन कंपनी का कोई शड्यूल नहीं, यही है कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। कंपनी को एक एक पैसा जो अदा हो जाता वा उस टाइम थोड़ी बुकिंग होनी और बुकिंग थोड़े नाम की होनी और बुकिंग नंबर थानू मिलेगा, वो थानू जल्द ही बुकिंग नंबर दे देंगे कि जी यह टैक्स बुक करवाता वा, वो थानू जल्द ही कागजात बना के दे देंगे कि यह बुकिंग नंबर वा, ये तो पता कर लो। तुम लिहाजा जो पता करोगे वो कहेंगे जब बुकिंग नंबर गलत वा जो बुकिंग का नंबर ही वो दे देंगे थानू कि जरा उन्होंने खुद करवाया हुआ होंगे वा, वो 2 महीने बाद आना थानू तसली हो जाती है कि 2 महीने बाद सारा टैक्स आ रहा, लेकिन थोड़ा टैक्स हरगिज़ नहीं आना है। कंपनी नु कल्ला कल्ला रुपया जो पे होएगा टोटल पेमेंट अदा होएगी उतों तक टाइम स्टार्ट हो बुकिंग स्टार्ट होएगा और उहो ही थानू टैक्स मिलना। लिहाजा ये डीलर हजार जो योजे कर रहे काम योजा हो रहा है, इन्हों तो बचो, अपना पैसे को बर्बाद ना करो, अपने पैसे को जाया ना करो, ठीक है जी। जी जो पैसा बचाओ पैसे में बचाओ, क्योंकि जिम्मेदार जरा वो दिन रात मेहनत करता वो मरता वा पैसा रुपया रुपया करके जोड़ता वा, लिहाजा ये गलती हरगिज़ ना करियो। कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे अद्धे पैसे दे के टैक्स बुकिंग करवा लो, ठीक है जी। बाकी बहुत अगर ये बारे कोई मालूम लेनी चाहे वो बिल्कुल मालूम ले सकता वा, अपने सवाल का कोई जवाब पूछना चाहे पूछ सकता वा, ठीक है जी। तो ऐसा हरगिज़ मैं फिर बार बार यही गल कहूँगा कि कल साड़ी तकरीबन वो 1.5 से 2 घंटे कंपनी के अंदर उन्होंने सीनियर जोड़े है उन्होंने नाल साड़ी मीटिंग होंगी रही है, बुकिंग रूम च भी गए हैं, बुकिंग उन्होंने भी गलबात होंगी रही है। लेकिन उन्होंने कहा 94,500 रुपया बुकिंग होएगी आएगा तो 94,500 रुपया थोड़ा मिलना वा। लिहाजा सारे दोस्तों के अगर यही अपील है कि अपने पैसे को जाया ना करो, तो जो कंपनी का कानून हो असी वो दस दिता वा। अगे अगर किसी दोस्त ने डीलर हजार को फसना हो तो वह 100 बिस्मिल्ला जी असी सिर्फ लोगों को दस सकते हैं कि यदा यह तरीकेकार, बाकी अमल करना जरा वो सारे दोस्तों का ये फायदा होएगा नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि जायज़ गल जी जायज़ ही रहनी है। जो तुम लाले जिम्मेदार आ जाता वो भी चलो मैं पैसे दे के बुकिंग करवा लेता वा, लिहाजा वो बुकिंग नहीं होंगी जी, ठीक है जी। ये काफ़ी दोस्त सवाल जवाब पूछ रहे थे, कोई ऐसा डीलर नहीं है किसी भी कंपनी का जिधर थोड़े को हाफ पैसे लैके तो बुकिंग करवा देते, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है किसी कंपनी के। कंपनी को टोटल पैसे जाते हैं, कंपनी थोड़े पैसे ने थोड़ा टैक्स बना के दे रही है, क्योंकि 2 महीने का जो बुकिंग का कर रहे हैं समझ लो थोड़े पैसे का ही थोड़ा टैक्स मिल रहा वा। तो इस तरह हरगिज़ ना करो, हरगिज़ ही ना करो। ये इजाजत चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।